अमृतसर से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहाँ रेलवे स्टेशन के पास बनी पानी की टंकी पर एक महिला चढ़ गई, जिसके बाद आनन फानन में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी महिला को नीचे उतारने की कोशिश में जुट गए। महिला का नाम गीता बताया जा रहा है, जो कलकत्ता की रहने वाली है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पिछले दिनों गीता के पति की मौत हो गई थी और लॉकडाउन की वजह से वो कलकत्ता नहीं जा सके। इतना ही नहीं, गीता की इस जमीन को कोई हड़पना चाहता है, जिसकी वजह से मानसिक तौर पर परेशान महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि महिला का बेटा विदेश में रहता है और बेटी कलकत्ता में रहती है। पुलिस के अधिकारी महिला के बच्चों से वीडियो कॉल पर बात करा महिला को टंकी से उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेडी है जी, एक दो घंटे तो टैंकी के उपर चढ़ी है। इन्होंने परिवारक मैंबर ने गल की, उन्होंने दसन मुताबक कलकत्ते की रहने वाली, बेसिकली पिछों ये फादर की डैथ हुई है, उत्थे कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इस करके निराशा दे आलम जो इतने टैंकी से चढ़ी है। गीता राणी है, पोरशी राजपूतां पिंड है, खलचियां थाने से उत्थे रहने वाली। कोई गलबात हुई है? तो गलबात सीधी साड़ना नहीं कर रही, फोन तो कोई है यदा फोन ऑन करा के बेटी की गलबात करा रहे, बेटी की करा रहे हैं, परिवारक मैंबर राही प्रेरित कर रहे हैं थले उतरने वास्ते।